जापान में हुआ एक बड़ा हादसा। एक अनियंत्रित ट्रक ने एक बाइक पर सवार एक ही परिवार के 4 लोगों को कुचल दिया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना सराय ओपी थाना क्षेत्र के चमरा मंडी बाईपास की है, जहां एक ही परिवार के 4 लोग बाइक पर सवार होकर सिवान से सारण के मसरक जा रहे थे, तभी चमरा मंडी बाईपास की तरफ से तेज रफ्तार आ रही ट्रक ने लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक बच्ची, एक महिला और एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई है। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से सिवान के सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चमरा मंडी बाईपास को जाम कर दिया है और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक भागने लगा, जिसे लोग और पुलिस ने दौड़ाकर शहर के हरदिया मोड़ के समीप से पकड़ लिया है और चालक भागने में सफल रहा। डॉक्टर समसा आदमी मालूम है लेकिन एक मिनट पूछ रहे क्या हुआ, क्या घटना पूरा जा रहा था उसके साथ, ठीक है, नाइट प्रसाद से देख लिया, एम्बुलेंस आया, दूसरा गाड़ी का आदमी डाल रहा है, आपकी पता है जहाँ के लोग है, कैसे घटना घटी अभी कुछ पता नहीं है, दूर का है लोग, कैसे घटना घटी वाला पीछे वाला पोजीशन से मार दिया है, मार दिया है, आप लोग क्या चाहते हैं? पूरा जांच चाहिए हमको, ट्रक वाला भाग गया है, इसका घर वाला जब तक नहीं है, कितने लोगों की मौत हुई है, कौन कौन मरा है? एक बच्चा और एक बच्चा है, अभी एक गई है हॉस्पिटल, वो भी जिंदा है। कितने आदमी कुचला गए हैं? 3 आदमी, 4 आदमी है, 3 की मौत है, और एक आदमी बचा है जो चला गया।